हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव, क्या विपक्ष इस बार बीजेपी को दे पाएगा टक्कर? दिल्ली छोड़ गुजरात में दहाड़ रहे केजरीवाल, क्या पंजाब की तरह गुजरात में आप करेगी कमाल? या राहुल की पदयात्रा का दोनों राज्यों में पड़ेगा असर? हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए, ये दोनों राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बनने वाले हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 2022 का ये आखिरी चुनाव होगा और इसे 2024 के लिए काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि तमाम दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई बड़े दिग्गज मैदान को संभाल चुके हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद के चुनावों में ही उलझी हुई दिखाई देती है। फिलहाल खड़गे के हाथ में कमान आएगी तो वो क्या चमत्कार करेंगे वो अलग विषय है, लेकिन इन सब के बीच तीसरी पार्टी भी कमर तोड़ मेहनत कर रही है और वो है आम आदमी पार्टी। अब दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बार चुनावों में बीजेपी की वापसी होगी या फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये तो तय होगा नतीजे आने के बाद, लेकिन उससे पहले सी वोटर्स ने दोनों राज्यों में अपना सर्वे किया और यकीन मानिए ये सर्वे चौंका देने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस सर्वे के लिए दोनों राज्यों में लगभग 65,621 लोगों से बात की गई और जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यही बताते चलते हैं कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में जबरदस्त मेहनत कर रही है। दावा तो आम आदमी पार्टी ये तक कर रही है कि जनता इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अब ये दावे में कितना दम है आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सी वोटर का सर्वे जो समझाना चाह रहा है वो सबको हैरान कर रहा है। सबसे पहले समझिए गुजरात में किसको कितनी सीटें। कुल सीट है 182, यानी कि गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब सी वोटर के सर्वे में क्या है, सर्वे बताता है कि बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल रही हैं, यानी सीधे सीधे बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। कांग्रेस को 36 में से 44 सीटें मिलेंगी। ये सी वोटर के सर्वे का दावा है जिसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प फैक्टर वो भी सुनिए, आम आदमी पार्टी को इस सर्वे में 0 से लेकर 2 सीटें मिलती हुई ही दिखाई दे रही हैं। मतलब जो केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि गुजरात में उनकी सरकार आएगी, उनको इस सर्वे में 0 से 2 सीटें ही दिखाई दे रही हैं, जबकि निर्दलीय 0 से 3 सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी। हिमाचल में किसको कितनी सीट, कुल सीट है 68, जिन सीटों पर चुनाव होना है, और सर्वे कहता है कि बीजेपी 37 में से 45 सीट जीत सकती है। कांग्रेस 21 से 29 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जीतने की संभावना है, और निर्दलीय 3 सीटें जीत सकते हैं। अगर सी वोटर के सर्वे की माने तो फिर से दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बन रही है। हिमाचल में पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 44 सीटें जीती थी और कांग्रेस 21। इस बार भी इन दोनों पार्टियों को सेम सीट मिलने का अनुमान है। अब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी दावा भले ही करे, लेकिन बीजेपी अभी भी तमाम सर्वे में आगे दिखाई दे रही है। खैर, आपको क्या लगता है गुजरात और हिमाचल में किसका हाथ मजबूत होगा? बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, या फिर आम आदमी पार्टी सबकी उम्मीदों पर झाड़ू फेरेगी? आपकी राय क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।